अस्सलाम वालेकुम साथियों, आदाब हिंदुस्तान और जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं शीरा सैन हैदराबाद से, तेलंगाना कांग्रेस। आज केसीआर हुकूमत को लेकर मैं सिर्फ एक सवाल से यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। साथियों, सभी आप लोग जानते हैं कि 4 साल हो गया तेलंगाना सेपरेट होकर और केसीआर या टीआरएस की गवर्नमेंट फॉर्म होकर, लेकिन इन 4 सालों में क्या हकीकत में केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेकर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट क्या उनका मंजर आम पर आया है? मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ, सोचती हूँ कि कहीं या किसी हद तक आप लोग भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उनके एक एजेंडे को लेकर यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। जैसे कि औकाफ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स देने का उन्होंने बहुत ही अहम प्रॉमिस किया था, लेकिन आज ये उनका जो सवाल है, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के बीच आकर औकाफ बोर्ड के तहफ़ुज़ के लिए जुडिशियल पावर्स को लागू करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन आज तक उनका यह जो मुद्दा है धरा का धरा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के औकाफ की ज़्यादतें तहफ़ुज़ हो और औकाफ की ज़्यादतों से जो भी यानी कि अर्जी यानी कि फाइनेंस इकट्ठा होता है, उससे मुसलमानों का कहीं पर भी किसी भी लिहाज से या किसी भी एतबार से उसका डेवलपमेंट ना हो, ये एक वजह मुझे नज़र आती है। इसीलिए उन्होंने आज तक जुडिशियल पावर्स को की बात ना उन्होंने कभी पब्लिकली करते हैं, ना ही उन्होंने अमली जामा पहना है। और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से केसीआर साहब की हुकूमत बनी है, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का कोई भी मिनिस्टर यानी कि अहदे पे नहीं आया है, क्योंकि माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री जो है ये केसीआर साहब के हाथों में है। तो अब आप बताइए मेरे साथियों और दोस्तों, मुसलमानों के 1 करोड़ मुसलमान, क्या हम इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि तेलंगाना अलग हो और हम यूं ही पीछे रह जाएं? ये कोई भी नहीं चाहता, कि कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहती कि उसकी कौम यानी कि पिछड़ी भी रहे या पीछे रहें और भी कौमों से। तो लिहाजा मैं केसीआर साहब से इसलिए आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लैंड ग्राबर्स औकाफ की ज़मीनों पर काबिज होकर हुकूमत के साथ मिलकर, औकाफ बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलकर किस तरीके से ये प्रॉपर्टी का सौदा करते रहते हैं, और गरीब आवाम का जो कि सिर्फ मुस्तहिक लोगों के लिए ये औकाफ की जायदादें होती हैं, उनके फलाह बहबूद की तरक्की के लिए होती है, उनकी माशी हालत को दूर करने के लिए होती है, और जो ऐसा कि उनके तालीमी सतह को दूर करने के लिए होती है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए होती है, उनको जो बेघर है या बेरोज़गार है उनको यानी कि उससे इस्तेफादा हासिल हो सके, इसीलिए हमारी ज़्यादतें होती है जो औकाफ में यानी कि पहले के जो लोग ये हमारे जो बादशाहों ने दी है। लेकिन इसका इतना बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सरे सरे ये लोग लैंड को ग्रैबर्स कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ताकि ऐसे ऐसे झोल पैदा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ पर क्रिएट किया जा रहे हैं, ताकि ऐसे मसलों को यानी कि कोर्ट में अगर डाला जाए तो कई साल तक ये बिल्कुल कोर्ट का मसला ही बन के रहें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेलंगाना के वो 7 तमाम मुसलमानों से कि आप अपनी आप को खोलिए, क्योंकि केसीआर साहब किसी भी एतबार से मुसलमान के लिए फिट नहीं है, ना तो माइनॉरिटीज़ के लिए फिट है। लिहाजा सिर्फ मैं औकाफ की ज़्यादातों की बात आपके सामने रखी हूँ। टोली मस्जिद का मसला ऐसे ही पेंडिंग है, और हाल ही में यानी कि गटकेसकर की एक मस्जिद है वहाँ का मसला उभर के आया है, और केसीआर साहब की काउंसिल का खुद का मसला है, वहाँ पर शराब की दुकानें बनाई गई है औकाफ की जायदादों में, और हाल ही में और एक भी यानी कि कुतुबशाही मस्जिद का मसला आ चुका है। तो इस तमाम ऐसे मसाइल है जहाँ पर केसीआर साहब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, हमको अब समझ लेना चाहिए। इसीलिए हमको आवाज़ बुलंद कर इस केसीआर के खिलाफ हमको मुहिम चलानी चाहिए जहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ हो सके। जय हिंद।